जिनको हैं बेटियाँ वो ये कहती हैं, परियों के देश में वो तो रहती हैं। बेटे भाग्य से होते हैं और बेटियाँ सौभाग्य से होती हैं। जब एक भाग्य साथ होता है तो बेटे होते हैं, जब सौ भाग्य साथ होती हैं तो बेटियाँ होती हैं। हैप्पी डॉटर्स डे फ्रेंड, आप सबको मेरी तरफ से डॉटर दिवस पर, बेटी दिवस पर ढेरों शुभकामनाएं। कैसे हैं फ्रेंड आप? आई होप सब ठीक में होंगे, सेफ होंगे। मैं आकांक्षा, मैं आपके अपने चैनल माँ बेटी में आपका वेलकम करती हूँ। एक बार फिर से फ्रेंड मेरी तरफ से आप सभी को बेटी दिवस पर बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, बेटियां तो सबकी जान होती हैं, अपने पापा की परी होती हैं, पापा की लाडली होती हैं, दादा दादी पापा की जान होती हैं, नानी नाना की जान होती हैं, सबकी प्यारी होती हैं बेटियां। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से बेटी दिवस पर बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आज इस खास मौके पर ही अपनी बेटी को अपनी ब्लॉग में लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक पर बात करते हैं। आज का टॉपिक है कि बच्चों को क्या लोरी गाकर सुलाना सही है या गलत है। मैं आज इसी टॉपिक पर आपसे बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने बच्चे को लोरी गाकर नहीं सुलाते हैं तो मेरा ये वीडियो देखकर आप 100% अपने बच्चे को लोरी गाकर सुलाना स्टार्ट कर देंगे। ये तो अपनी बेटी को स्टार्टिंग से ही लोरी गाकर सुलाने का बहुत शौक था। जब वो उसने जन्म भी नहीं लिया था, उससे पहले ही मैंने कई सारी लोरियाँ सोच के रख ली थी कि मैं जब मेरा बेबी होगा तब मैं उसे कौन कौन सी लोरी गाकर सुलाऊंगी। मुझे लोरी गाने का बहुत शौक है। अभी मेरी बेटी 4 ईयर्स की हो गई है, मैं उसे अभी तक लोरी गाकर ही सुलाती हूँ और वो लोरी गाकर ही सोती है। फ्रेंड्स, लोरी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। लोरी गाकर सुलाना बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये सब आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, पर आज मेरी वीडियो में आप यही जानेंगे कि बच्चों को लोरी गाकर सुलाने से बच्चों पर क्या क्या असर पड़ता है, वो ही सब मैं अपनी वीडियो में आज आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखिएगा, बीच में से स्किप मत कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, जब आप लोरी गाकर बच्चे को सुलाते हैं, जब आप बच्चे को लोरी गाकर सुलाएंगे तो उसके दिमागी विकास पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। उसके माइंड में जो भी होता है वो सब तेज़ी से काम करने लगता है और उस बच्चे का माइंड जल्दी जल्दी विकसित हो जाता है। इसलिए बच्चे को लोरी गाकर सुलाना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप लोरी गाते हैं तो बच्चों के कानों में जो आवाज़ जाती है उससे बच्चा जल्दी से जल्दी उसको सुनता है, और जब बच्चा छोटा होता है तो वो बहुत जल्दी कोई भी चीज़ को अपने अंदर ले लेता है, वो बहुत जल्दी उस चीज़ को सीख जाता है। जब आप बच्चे को लोरी सुनाएंगे तो उसे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, और जिससे वो आपको देखता है, बच्चा आपको देखेगा तो उसे लगेगा कि मेरी माँ कुछ बोल रही है, तो जिससे वो भी अपने होठों को हिलाने की कोशिश करेगा, जिससे बच्चा बोलना भी जल्दी सीख जाता है। आपने आज तक ये नहीं सुना होगा कि लोरी गाकर सुलाने से बच्चा जल्दी बोलना सीख जाता है, पर ये मैंने देखा है। मैं अपनी बच्ची को स्टार्टिंग से ही लोरी गाकर सुलाती आई हूँ और जिससे वो जल्दी बोलना भी सीख गई थी। तो आप भी अपने बच्चे को लोरी गाकर सुनाइए। लोरी गाकर सुलाने से बच्चे और माँ के बीच कनेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आप बच्चे को लोरी सुनाते हैं तो वे बेफिक्र होकर सो जाता है, उसे किसी चीज़ की टेंशन, मतलब कि जैसे बच्चे को सपने में किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं रहता है। जब अपन उसे लोरी गाकर नहीं सुलाते हैं तो उसे वह चीज़, अपन जो लोरी में सुनाते हैं तो बच्चा वो सब सुनता है, वही सब ग्रहण करता है, मतलब अपने अंदर बच्चा वही सब लेता है। तो अगर अपन उसे लोरी गाकर नहीं सुनाएंगे तो उसे वो सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि आप बच्चे को लोरी गाकर सुलाइए। जब आप लोरी गाकर अपने बच्चे को सुलाएंगे तो उसके दिमागी विकास बहुत जल्दी तेज़ी से होता है और उसे बच्चे और माँ के बीच में ममता और ज़्यादा बढ़ती जाती है।
बच्चों को लोरी गाकर सुलाना इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है। लोरी गाकर सुलाने से बच्चे को बहुत अच्छा लगती है, वह अच्छे से सो जाता है। आपने देखा होगा कभी आप किसी भी प्रकार की टेंशन में हैं या आपको कोई भी परेशानी है और अपनी माँ की गोद में लेट जाइए और वो अच्छे से आपको लोरी गाकर सुला देंगी तो आपको बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। लोरी की बातें तो हम नानी दादी के ज़माने से सुनते आ रहे हैं। नानी दादी ने भी हमें इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया है, सुनाई है, हमने उनकी कई लोरियाँ सुनी हैं जो हमें अभी तक याद होंगी। तो लोरियाँ तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। पहले के लोग तो हमेशा बच्चों को लोरी गाकर ही सुलाते थे। आज की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि लोगों को बच्चों को लोरी गाने का टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन जिससे बच्चे के दिमागी विकास पर बहुत असर पड़ता है, उसकी गति बहुत धीमी हो जाती है, बच्चे देरी से बोलना सीखते हैं। आज यही कारण है कि बच्चे देरी से बोलना सीख पा रहे हैं, इसलिए आप बच्चे को हमेशा लोरी गाकर ही सुलाइए, जिससे बच्चा भी कुछ सीखेगा। जैसे आप बच्चे के सामने कोई भी पोयम बोलेंगे या ABCD बोलेंगे, या बड़ा बच्चा जब हो जाता है तो आप उस प्रकार से थोड़ी सी आप ऐसी चीज़ें बोलिए जो बच्चे के अंदर जाते ही बच्चा उसे सीख सके। तो फ्रेंड्स, बच्चों के लिए लोरी बहुत ज़रूरी होती है, आप उसे लोरी गाकर ही सुलाइए। तो फ्रेंड्स, आज का अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना कभी ना भूलें। आप बेल दबाएंगे तभी आपके पास में नोटिफिकेशन आएगा और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।